मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से आज मैं आपको बताऊंगी कि हम स्किन टाइटनिंग के लिए घर में मास्क कैसे बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्किन टाइटनिंग के लिए मैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली जो अवेलेबल है वो बताऊंगी। दही तो हम मोस्टली घर में बनाते हैं और नींबू घर में हमेशा रहता है, इसीलिए मैंने ये रेसिपी चूज़ की है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ईजीली अवेलेबल चीज़ों से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने करीबन एक ये चम्मच जो है इस मेजरमेंट का दही ले ली है। ये मैंने इसमें आधा चम्मच नींबू का रस ले लिया है और मैं इसे दही में डाल दूंगी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और दही के जो ये गुठलियां हैं दही के अंदर इसे मिटा देते हैं। एक आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ये रेडी है हमारा स्किन टाइटनिंग के लिए इजी सा पैक। अब हम देखेंगे इसे कैसे लगाना है और इसे कितनी देर रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, हमने जो दही और नींबू के रस को मिला के एक ये पैक बनाया है, ये पैक भी नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ दही है। दही एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए जो हमारे पोर्स को टाइट करने में हेल्प करता है, जो हमारी स्किन को लूज नहीं होने देता है, क्योंकि जब दही सूख जाता है तो वो हमारी स्किन को होल्ड करता है। इसके अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करती है। और इसमें मैंने मिलाया है लेमन, तो लेमन की भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एसिडिक है, दोनों चीज़ें एसिडिक हैं। आपकी स्किन को इससे कोई हार्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो आप प्लीज़ लेमन जूस अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ दही भी लगा सकते हैं, बट मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे दही और नींबू का रस दोनों मिलाया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और इसे रखना कितनी देर है। अगर आप चाहें तो आप एप्लीकेशन ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ मैं अपने हाथ यूज़ करूँगी क्योंकि मैं इसे 2 से 3 मिनट का मसाज भी दूंगी। मसाज देना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप मसाज देते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको एक रिलैक्सेशन की सेंसेशन होगी, रिलैक्स होगी आपकी स्किन मसाज से। मैंने लगा लिया है दही का ये जो मैंने पैक बनाया है, अब मैं इसे अच्छे से मसाज करूंगी अपने चेहरे पे। अच्छे से आपको अपने दोनों हाथ यूज करने हैं मसाज करने के लिए। इसे हम 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे और ये 2 से 3 मिनट मसाज हो जाने के बाद हम इसे 5-10 मिनट तक यूं ही छोड़ देंगे। जब तक आपको ये थोड़ा ड्राई फील नहीं होता है तब तक आपको इसे छोड़ देना है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में भी हेल्प करता है क्योंकि दही के अंदर दही दूध से बनता है, और अगर दही मलाई वाला है तो फिर ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करता है। और जो मैं दही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, उसमें मलाई भी है मुझे फील हो रहा है।
तो दोस्तों अब मैंने 2 से 3 मिनट तक अपने चेहरे की मसाज कर ली है। अब मैं इसके सूखने का इंतज़ार करूँगी और सूखने के बाद मैं अपना चेहरा धो के आऊँगी और मैं चेहरा धो के आती हूँ 5 मिनट में वापस। तो दोस्तों मैं अपना चेहरा धो के आई हूँ। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कैसे लग रहा है इस वक्त। इसमें एक थोड़ी सी शाइन और ग्लो भी आया है क्योंकि दही में जो मलाई थी उसने मेरी स्किन को थोड़ा स्मूथ कर लिया है और शाइन और ग्लो भी वो प्रोवाइड करता है। 100% रिजल्ट आपको एक यूज़ में नहीं मिलेंगे। आपको इस रेमेडी को हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ करना है, तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। ये स्पेशली ये जो रेमेडी है ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है और जो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके होते हैं ये उस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 30 इयर्स की एज के बाद हमारी स्किन लूज़ होना स्टार्ट होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये था दोस्तों घर में स्किन टाइटनिंग के लिए मास्क कैसे बनाया जाता है। आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये रेसिपी कितनी इफ़ेक्टिव थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।